हेलो साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार और झारखंड एक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। एक नए अपडेट के साथ मैं जुड़ रहा हूं और आज की एक सबसे बड़ी अपडेट जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा JSSC के द्वारा अपडेट किया गया है, जो देख रहे होंगे आज ही के डेट में 1/2/2023 के अपडेट में ये नोटिस जारी किया गया है कि JSSC द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली गई थी पिछले 2 साल के अंतराल में, जो ये नियमावली विवादित नियमावली था रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का जो नियमावली था उसके तहत 17 दिसंबर को ही वो नियमावली को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद झारखंड सरकार द्वारा जो 1932 का भी नियमावली के तहत आगे प्रोसीड करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसे भी 2 दिन पहले ही महामहिम राज्यपाल द्वारा भी ये बर्खास्त किया गया, वो नियमावली रद्द कर दिया गया। क्योंकि सबसे पहले कि 1932 का नियमावली एक ज़ोरदार तरीके से आक्रोशित तरीके से जिले वाइज ये आंदोलन किया जा रहा था और इसे बढ़ावा दिया जा रहा था कि 1932 लागू हो, झारखंड की पक्ष में ये अधिकार मिल पाए। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्वों ने शायद इसका विरोध करते हुए और 1932 का भी महामहिम के द्वारा इसे बर्खास्त कर दिया गया। जब ये पाया गया कि 1932 के पहले का नियमावली जो 10th और 12th यानी जो रमेश हांसदा के केस से प्रभावित था, 10th और 12th का विवादित नियमावली जो जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए बाहरी स्टेट से जो 10th और 12th के हैं उसे झारखंड के वैकेंसी में योग्यता नहीं मानी जा रही थी, इससे विवादित था और जिसके कारण से 17 दिसंबर को ही माननीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। उसके बावजूद भी पीजीटी और भी अन्य वैकेंसी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का टेंटेटिव डेट दिया गया था उसमें जारी किया गया था। उसके अगले दिन ही फिर से वो टेंटेटिव डेट को वापस ले लिया जाता है और 21 दिसंबर को विधानसभा का घेराव होता है। 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव के दिन भी ये वचन दिया जाता है यहाँ के जो नेता हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कि जल्द ही नियमावली बनाया जाएगा और इस विषय पे जल्द ही सही निर्णय लिया जाएगा, युवाओं के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। अंततः युवाओं भी 2 से 3 मंथ तक इसके अंतराल में इंतज़ार करते रह गए। इसके बीच किसी भी तरह से भाग दौड़ और किसी तरह से रैलियां, किसी तरह से आंदोलन नहीं किए, इस पे विश्वास करके कि अगले 2 मंथ में नियमावली बन जाएगी और हम लोगों की कल्याण हो जाएगी। लेकिन देखते ही देखते 2 मंथ भी गुजर गया और आज का दिन ये एक बड़ी ठोस युवाओं के पक्ष में, मतलब युवाओं के जीने का जो भरोसा था वो टूट चुका है। क्योंकि जितने भी 2 साल के अंतराल में वैकेंसी निकाली गई थी, लगभग 12 वैकेंसी, वो सारे जो नोटिफिकेशन थे, सारे विज्ञापन जो थे वो रद्द कर दिया गया है। जिस तरह की आप ये PDF के द्वारा देख पा रहे होंगे, ये PDF आपको साइट पे ही जो JSSC का साइट है उसके माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख पाएंगे कि कौन से वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल थे, कौन से वैकेंसी आप फिल किए थे। आप यदि उसका उम्मीद लगा करके उसका टेंटेटिव डेट जो एग्ज़ाम डेट था उसके आधार पर आप प्रिपरेशन दूसरे चीज़ों को छोड़ करके कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस्परेशन करके झारखंड पे पड़े हुए हैं, तो इसे अलर्ट हो जाएं कि उस वैकेंसी वो एग्ज़ाम अब फ़िलहाल कुछ लंबे समय तक के लिए टाला जा रहा है। क्योंकि ये 12 वैकेंसी जो हम लोग पूरी तरह से फॉर्म फिल कर चुके थे और इसके प्रिपरेशन में लगे हुए थे, जिसके वजह से हम लोग दूसरे स्टेट का भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, ना ही स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके तहत जो बहाली आते हैं उसका भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे। यानी पूरे भरोसेमंद था कि झारखंड उचित करेगा और यहाँ के युवाओं का इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन आज के दिन में एक सबसे बड़ा धोखा मिल पाया है युवाओं के पक्ष में। और मेरा मानना ये होगा
कि जितने भी वैकेंसी फ़िलहाल निकाली गई थी, जो पहले भी वैकेंसी थी, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच और जो सीजीएल वैकेंसी थी, सचिवालय की पोस्ट थी जो 2019 में फिल किया गया था, इन सारे वैकेंसी को लेकर के ज़ोरदार आवाज़ उठाया जाए, ताकि उस समय कैंडिडेचर भी कम थे और सदस्य कम सदस्य होने की वजह से आपको ज़्यादा योग्यताएं मिल पाती है और आपकी संभावनाएं ज़्यादा बन पाती है। तो झारखंडी होने के नाते यही उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि सबसे पहले फॉर्म निकालने के लिए भी आपको केस लड़ना होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए भी केस लड़ना होगा, रिजल्ट आउट करने के लिए भी केस करना होगा। तो एक बार और ज़ोर से हम लोगों को लग जाना चाहिए एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच और सचिवालय पद का जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो सचिवालय का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया था पर उसमें सीमित छात्र थे और उसमें संभावनाएं ज़्यादा बनती, और अभी तक जो भी वैकेंसी निकाली गई है जैसे म्यूनिसिपल को लेकर के या सचिवालय या नगर पालिका जो थे, एक्साइज कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी उसमें सारे तरह का पीजीटी का जो था सभी में एग्ज़ाम फ़ी ले लिया गया था, और इसे अब सरकार विचार करेगी कि इसका एग्ज़ाम फ़ी को लेकर के क्या किया जाए। उचित ये होगा, मेरा मानना ये है कि 2016 के पहले की जो भी नियमावली थी जिसके तहत झारखंड पुलिस और कच्छपाल फॉरेस्ट का जो बहाली निकाला गया था उसी के तर्ज पे बहालियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का ऐसा है कि उम्र निकलते जा रहा है और इसके पेरेंट्स उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अगले साल कुछ ना कुछ कर पाएंगे। इस तरह से 12 वैकेंसी का लिस्ट आप देख पाएंगे, और यदि आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट तब थी और आने वाली है, टंकन का प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन जैसे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के प्रिपरेशन छोड़ करके, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी टीचिंग विभाग का प्रिपरेशन छोड़ करके आप इस पे पढ़े हुए हैं, तो इसे सहजता से ना लें और सही समय पे सही कदम उठा लें। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आया हो और ये सारे वैकेंसी आप देख पाए होंगे। धन्यवाद।